देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारा एफए क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। हमने लगभग 11 पार्ट्स में हमने देखे थे, 25 टू 26 क्वेश्चंस देखे थे। और भी कोई क्वेश्चंस होंगे इसके एफए के तो हम उसको ले लेंगे, मैं उसको लेके पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो वो जो मैंने प्रॉब्लम्स लिए हुए हैं अभी तक के एफए के, ठीक है। देखिए एफए बोलिए या फिर डीएफए बोलिए, वो एक ही बात है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एफए, यानी कि एफए कौन कौन से टाइप की एफए हो सकती है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखा वो क्या थी, सादी एफए यानी कि डीएफए, डीएफए यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमोटा, ठीक है। उसके अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर रह गए होंगे, रहे तो नहीं है, पर अगर हम जब हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तब इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा, हमने उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, पर फिर भी कोई रह गया होगा तो हम आगे ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट सब टॉपिक को देखते हैं हम। नेक्स्ट सब टॉपिक है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। जैसे कि अभी तक के हमने देखा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और उसके हमने 26 के आसपास प्रॉब्लम्स भी देखे। अब हमें देखना है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। पर ये देखने के पहले हम देखते हैं कि भाई एफए कौन कौन से टाइप की होती है। तो देखिए जल्दी यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा मेनली क्या होती है, दो टाइप्स की होती है। एक होती है डीएफए यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। हमने अभी तक के जो देखा वो हमने यही देखा हुआ है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को ही बाय डिफॉल्ट एफए बोलते हैं। एफए के दो प्रकार है, दो टाइप्स है, क्या क्या, डीएफए और एनएफए। पर अगर कोई आपको सिर्फ एफए बोलता है भाई, ड्रॉ द एफए, तो उसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग निकलता है कि डीएफए। आई बात समझ में। एफए के जो दो टाइप्स है वो है डीएफए और एनएफए। डीएफए यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एक एनएफए, एनएफए यानी क्या, एनएफए यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब रही बहुत मेन क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि डिटर्मिनिस्टिक और ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक में फ़र्क क्या है, या फिर हम डिटर्मिनिस्टिक देख चुके तो डिटर्मिनिस्टिक में क्या था, ठीक है। देखिए ये एनएफए विल बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू मोर टाइप्स, ठीक है, वो छोड़ दीजिए फिलहाल। फिलहाल तो ये डीएफए और एनएफए में डिफरेंस क्या है पहले हम वो देखते हैं, या फिर जैसे हमारे टॉपिक का नाम है एनएफए, ठीक है। तो ये एनएफए यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मोर स्पेसिफिकली हम जो ये सब टॉपिक देख रहे हैं वो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन। अब ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन क्या होता है ये हम बाद में देखते हैं, पहले देखिए कि डीएफए और एनएफए में डिफरेंस क्या है। मुझे बताइए कि जो हमने अभी तक डीएफए ड्रॉ की उसमें क्या होता था, क्या ऐसा नहीं होता था हर एक स्टेट जितने इनपुट सिंबल्स है उतने ही ट्रांजिशन लिमिट करता था। यानी कि सपोज मैंने कोई एक डायग्राम निकाली सबस्ट्रिंग वाली, भाई 101 एज अ सबस्ट्रिंग, उसमें सपोज तीन स्टेट्स आई, तीन जितनी भी, कोई एक रैंडम एग्जांपल लेते, कोई एक ऐसी एफए है डीएफए जिसमें तीन स्टेट्स है और समेशन दिया हुआ है 01, तो क्या वो हर एक स्टेट दो दो ट्रांजिशन लिमिट नहीं कर देते क्या, भाई तीन स्टेट्स है Q0, Q1, Q2, तो Q0 ने भी दो ट्रांजिशन लिमिट किए, एक जीरो का एक वन का, Q1 ने भी दो लिमिट किए, एक जीरो का एक वन का, Q2 ने भी दो लिमिट किए ट्रांजिशन एक जीरो का एक वन का। तो अगर ऐसा होता है भाई हर एक स्टेट अपने इनपुट सिंबल्स के जितने ट्रांजिशन लिमिट करती है हर एक के लिए एक एक, तो उसको बोला जाता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट एनएफए क्या हुआ, देखिए मैंने एनएफए की यहाँ पे डेफिनेशन लिख के रखी है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। एनएफए इज फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए भी एक फाइनाइट ऑटोमेटा है भाई, यानी कि वो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकती है, विच अलाउज 0, 1 और मोर ट्रांजिशंस फ्रॉम अ स्टेट फॉर द सेम इनपुट सिंबल्स। यानी कि जैसे कि डीएफए में हमारे पास ये प्रोविजन नहीं था, डीएफए में Q0 के लिए एक ही ट्रांजेक्शन लिमिट करेंगी, Q01 के लिए एक ही ट्रांजेक्शन लिमिट करेंगी, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा विच अलाउज 0, 1 और मोर ट्रांजेक्शन फ्रॉम अ स्टेट फॉर द सेम इनपुट सिम्बॉल। यानी कि एनएफए में क्या होने वाला है भाई, Q0 नाम की स्टेट 0 का ट्रांजेक्शन दो अलग अलग स्टेट्स पे भी लेके जा सकती है या फिर नहीं भी लेके जा सकती है। देखिए ऐसा लिखा हुआ है ना, 0, 1 और मोर, यानी कि मैं चाहूँ, मेरी इच्छा, यानी कि अगर हमें नीड पड़ती है कि भाई Q0 का 0 का ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं होना चाहिए तो हम नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम ऐसी नीड होती है, नीड पड़ती है कि Q0 के 0 के दो ट्रांजेक्शन लिमिट होने चाहिए, एक Q1 स्टेट पे और एक Q2 स्टेट पे, तो हम कर सकते हैं। यानी कि सेम इनपुट सिंबल के लिए 0, 1 और मोर ट्रांजेक्शन हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर, तो वो डायग्राम होती है हमारी एनएफए। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है,
ये तो थेरोटिकल डेफिनेशन है, यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिखी हुई है। मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने DFA के भी देखी थी, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन NFA एंड DFA, मैथमेटिकली भी थेरोटिकली भी। थेरोटिकली क्या डिफरेंस है भाई, ये जो डेफिनेशन है यानी कि हमारी DFA हर एक इनपुट सिम्बॉल के लिए एक ही ट्रांजेक्शन इमिट कर सकती है, पर NFA में ऐसा नहीं है। कोई भी स्टेट सेम इनपुट सिम्बॉल के लिए एक से ज़्यादा या फिर नहीं एक भी नहीं ट्रांजेक्शन इमिट कर सकती है। तो ये हमारा क्या हुआ, नॉन डिटर्मिनिस्टिक FA। अब आई बात समझ में, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हर एक स्टेट जितने इनपुट सिंबल है सभी के लिए एक ही ट्रांजेक्शन इमिट करती है, और यहाँ पे कोई भी स्टेट कितने भी ट्रांजेक्शन इमिट कर सकती है सेम इनपुट सिंबल के लिए। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, और एक बात कि भाई ठीक है, ये तो हमारी डेफिनेशन के बेसिस पे हमने देखा, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या डिफरेंस है भाई NFA और DFA में। तो NFA और DFA में प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस है, ये जब मैं यहाँ पे NFA का एग्जांपल लूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट द प्रैक्टिकल डिफरेंस इज, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए आइए देखते हैं। अब NFA विल बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक तो NFA विद इप्सिलॉन मूव, यानी कि इसको ऐसा बोलते हैं NFA विद इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है, और एक बोलते हैं NFA विदाउट इप्सिलॉन मूव, यानी कि भाई एक हमारा इप्सिलॉन मूव होना चाहिए, अब इप्सिलॉन मूव बोलो या फिर इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन बोलता है कोई, ठीक है। NFA विदाउट इप्सिलॉन मूव यानी कि NFA विदाउट इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन। अब ये इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन यानी क्या होता है, इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन यानी कि एम्प्टी ट्रांजेक्शन। अब एम्प्टी ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये मैं आपको क्या करता हूँ एग्जाम्पल से ही बताऊँगा। जब हम देखेंगे ये NFA with epsilon move देखेंगे, देखिए ठीक है, NFA with epsilon move बोलिए या फिर NFA with epsilon transaction बोलिए, जब हम ये देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये epsilon transaction क्या होता है। epsilon transaction यानी कि मैं आपके शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। अब अभी अगर आपको क्लियर नहीं भी हुआ तो कोई भी बात नहीं है, जब हम आगे देखेंगे ये टाइप, फिलहाल तो मुझे आपको वो एक्सप्लेन करना है NFA विदाउट इप्सिलॉन मूव। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि NFA विदाउट इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन। मुझे विदाउट इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन वाला एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट, अभी फिलहाल मैंने बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है सिक्वेंशियली, पर जब मैं ये एक्सप्लेन करूँगा विथ इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन वाला तब मैं आपको बताऊँगा कि ये इप्सिलॉन मूव क्या होता है, इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन क्या होता है। फिलहाल आप सुन लीजिए, इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन एक ऐसा ट्रांजेक्शन है कि सपोज मुझे एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना है विदाउट टेकिंग एनी इनपुट सिंबल। भाई मैंने सोच लिया कि भाई मुझे Q0 से Q1 पे जाना है पर कोई भी इनपुट सिंबल प्रोसेस नहीं करना है, यानी मुझे विदाउट एनी प्रोसेसिंग ऑफ स्ट्रिंग मुझे स्टेट चेंज करनी है, तो हमारे पास एक प्रोविजन है इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन का। अब ये इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन क्या करता है कि भाई मैं Q0 से Q1 पे जा सकता हूँ विदाउट टेकिंग एनी इनपुट सिंबल या फिर विदाउट प्रोसेसिंग एनी इनपुट सिंबल, यानी कि अगर मुझे बिना किसी इनपुट सिंबल प्रोसेस किए हुए स्टेट चेंज करनी है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन। आई बात समझ में, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं भी समझाऊंगा तो ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो NFA के जो दो टाइप्स है उसमें से हमें आज कौन सा सीखना है, पहला वाला, क्या नाम है उसका, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन, भाई बिना इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन वाली NFA क्या होती है, ठीक है। चलिए आइए, तो ये तो क्या थी हमारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी, अब हम देख लेते हैं मैथमेटिकली NFA कैन बी, एक मिनट रुक जाइए, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। हाँ देखिए, मैथमेटिकली NFA कैन बी डिफाइंड एज फाइव टपल्स एज m इक्वल्स टू क्यू समेशन डेल्टा Q0 F, यानी कि ये पांच चीज़ें अगर मैंने एक साथ लिख ली, यानी ये पांच चीज़ें मैंने किसी सामने वाले को बता दिया तो इसका मतलब भाई मैंने उसको क्या बता दिया, NFA बता दी, ठीक है। और यही सेम डेफिनेशन हमारी FA के भी है, सिर्फ एक छोटा सा माइनर सा चेंज है, वो चेंज मैं आपको बता दूंगा, अरे भाई वो चेंज ही आपको लर्न करना है, ठीक है। NFA यानी कि हमारी जो ये NFA की डेफिनेशन है, ऐसी डेफिनेशन हमने DFA की भी देखी थी, DFA यानी कि FA, ठीक है, पर वहाँ पे और यहाँ पे क्या चेंज है वो चेंज आपको नोट करना है, बाकी सब तो सेम है। देखिए वहाँ FA की, ये DFA की भी फाइव टपल्स की डेफिनेशन होती है, वो भी यही होती है Q समेशन डेल्टा Q0 F। अच्छा ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे वेयर क्यू इक्वल टू क्या होता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। देखिए ये फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, यहाँ वहाँ पे भी DFA में भी हमारा क्यू क्या होता था, यही होता था फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स।
समीशन, समीशन यानी कि इनपुट सिंबल। भाई हमें इनपुट सिंबल कौन से डोमेन पे वर्कआउट करना है, वहां पे भी यही होता था, यहाँ पे भी समीशन का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली सेम है। ट्रांजिशन फंक्शन, एक मिनट रुक जाइए, ये ट्रांजिशन फंक्शन के पहले मैं ले लेता हूँ Q0 क्या है, इनिशियल स्टेट, वहाँ पे भी Q0 का मतलब इनिशियल स्टेट होता था। कैपिटल F, फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, यानी कि सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। देखिए ये भी वहाँ पे क्या होता था, सेम होता था। तो यानी कि ये Q समेशन, Q0, कैपिटल F, ये तो चारों भी क्या है, सेम है, जैसे DFA में रहते थे। तो डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है हमारा डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन में, डिफरेंस कहाँ पे है हमारा ट्रांजिशन फंक्शन में डिफरेंस है, ठीक है। ये ट्रांजिशन फंक्शन हमारा NFA के लिए, ट्रांजिशन फंक्शन हमारा NFA के लिए क्या होता है, वो होता है Q इंटू समेशन इज इक्वल्स टू पी ऑफ क्यू, यानी कि पावर सेट ऑफ क्यू। हाँ, और एक बात देखिए इधर डिफरेंस क्या है कि ये ट्रांजिशन फंक्शन है, ये DFA में क्या होता था मालूम है, वो होता था क्यू इंटू समेशन इज इक्वल्स टू क्यू। मैं ये ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पे DFA में ऐसा होता था, ठीक है। और ये जो हमारी NFA है, NFA विदाउट इप्सिलॉन मूव, ये NFA विदाउट इप्सिलॉन मूव, ये इसमें हमारा ट्रांजिशन फंक्शन क्या हो रहा है, Q इंटू समेशन इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ Q। अब इसका मीनिंग क्या हुआ ये मुझे आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए इधर ट्रांजिशन फंक्शन, ये Q इंटू समेशन इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ Q क्या हुआ, और जो हम देखते हैं भाई ये DFA में ऐसा होता था। तो मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे एक सैम्पल DFA ड्रॉ कर देता हूँ। भाई ये Q0 जीरो लेके कहाँ जा रहा है, भाई Q1 के पास जा रहा है, कोई बात नहीं। Q1 जीरो लेके खुद पे जा रहा है, कोई बात नहीं। ये 1 लेके खुद के पास जा रहा है और ये 1 लेके इसके पास आ रहा है। मुझे बताइए क्या ये एक ऐसा DFA नहीं हुआ कि मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ जीरो, भाई अगर कोई स्ट्रिंग जीरो से ख़त्म होती है तो ये उसकी डायग्राम है। देखिए फाइनल स्टेट करना पड़ेगा ना इसको, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको फाइनल स्टेट करना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया हमारा फाइनल स्टेट Q1। भाई एक मैंने जीरो लिया तो हम पहुंच गए फाइनल स्टेट पे, फिर उसके बाद कितने भी जीरो ले लिए, पर अगर वन ले लिया तो इधर आ रहा है, इधर भी वन। किसी ने बोला भाई 010, तो भाई देखिए इधर ही 010, यानी कि ये एक ऐसी मैंने DFA निकाला जिसमें स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होने वाली है एंडिंग विद जीरो वाली, यानी कि भाई अगर जीरो से स्ट्रिंग एंड हो रही है तो फिर ये हमारी डायग्राम हमारी क्या है, बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। ये हमारे डायग्राम का है एंडिंग विद जीरो वाली स्ट्रिंग्स की, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि इसका मैंने ट्रांजिशन टेबल निकाला, यानी कि क्यू और समेशन 0 1, ठीक है, स्टेट्स Q0 Q1। मुझे बताइए Q0 0 लेके कहाँ जा रहा है, Q1 के पास। Q0 1 लेके कहाँ जा रहा है, खुद के पास। Q1 0 लेके कहाँ जा रहा है, Q1 के पास, खुद के पास। Q1 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q0 के पास। तो मुझे बताइए कि ये जो मैंने DFA में आपको बोला Q इंटू समेशन इक्वल्स टू क्यू, यानी कि मुझे एक बात बताइए कि ये जो हमारा Q है और ये हमारा क्या है, समेशन है, यानी कि ये ऐसा नहीं हुआ ये कोई भी मेरी गिवन स्टेट है, गिवन स्टेट को अगर ये इनपुट सिंबल मिलता है तो आंसर क्या आता है, आंसर भी हमारा कोई एक स्टेट आता है। यानी देखिए ये क्या हो रहा है, Q इंटू समेशन हो रहा है, भाई कौन सी स्टेट को कौन सा इनपुट सिंबल मिला, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर यानी कि आप ये टेबल की एंट्रीज देखिए यहाँ पे Q1 लिखा हुआ है, यहाँ पे Q0, यहाँ पे Q0, यहाँ पे Q1, यानी कि ये टेबल के जो आंसर्स है, मिनट बताइए आंसर में क्या आने वाला है, आंसर में तो हमारा क्या आने वाला है, ये जो कैपिटल Q है भाई, ये जितनी भी यहाँ पे स्टेट्स है उनमें से कोई एक स्टेट आंसर आने वाला है, जैसे कि यहाँ पे Q1 आया, यहाँ पे Q0, यहाँ पे Q1 दिस, यानी कि हमारे DFA में क्या होता था कि भाई जब क्यू इंटू समेशन होता था तो आंसर क्या आता था, कोई भी एक स्टेट आती थी फिर से क्यू में से, जिसको मैं ऐसा भी बोलता था कि भाई करंट स्टेट, यानी कि देखिए ये स्टेट इंटू क्या, करंट इनपुट सिंबल इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेट, यानी कि इन दोनों का क्यू इंटू समेशन इक्वल्स टू का आंसर क्या आता था, क्यू आता था। यानी कि हमारा जो DFA में हमने जितने भी DFA के प्रॉब्लम्स देखे उनके सभी की आप ट्रांजिशन टेबल्स निकाल के देखिए या फिर ट्रांजिशन फंक्शन निकाल के देखिए, तो क्यू इंटू समेशन का आंसर क्या आता था, वो क्यू सेट में से ही कोई एक स्टेट आती थी आंसर में, आई बात समझ में। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन हमारा DFA का था। अरे भाई NFA का क्या होगा, देखिए मैं आपको थोड़ा सा
और डिटेल में बता देता हूँ, ये छोटी छोटी बातें समझेंगी तो जब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे तब प्रॉब्लम्स देखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो DFA में आप क्या समझे कि Q into summation equals to क्या होता है, Q यानी कि कौन सी स्टेट को कौन सा इनपुट सिंबल मिला, तो आंसर फिर से क्या आता था, कोई एक स्टेट Q आती थी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब एक काम करता हूँ मैं, ये मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन तो आपको एक्सप्लेन कर दी, ये भी बता दिया कि डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे है। अब ये इसका मीनिंग क्या हुआ ट्रांजिशन का, अब मैं एक डायग्राम निकाल देता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं स्ट्रिंग्स स्टार्ट्स विथ 10, ऐसा हमने कोई एग्जाम्पल लिया था वहां पे, हाँ लिया होगा, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, और समेशन इक्वल्स टू ले लेता हूं मैं 01, यानी अगर किसी ने हमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि भाई ड्रॉ NFA, ठीक है ड्रॉ NFA, या फिर देखिए अब मैं फिर से एक बात बताता हूं, जैसे कि FA का मतलब भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है DFA, भाई मुझे किसी ने FA ड्रॉ करने के लिए बोल दिया इसका मतलब भाई वो चाहता है कि भाई आप DFA ड्रॉ करो, तो सिमिलरली अगर किसी ने मुझे बोल दिया भाई NFA ड्रॉ करो, तो बाय डिफॉल्ट उसका मीनिंग होता है कि आप NFA विदाउट इप्सिलॉन मूव ड्रॉ करो। आई बात समझ में, NFA के दो प्रकार है, एक इप्सिलॉन ट्रांजिशन वाला और एक विदाउट इप्सिलॉन ट्रांजिशन वाला, पर अगर कोई सिर्फ NFA ड्रॉ करने के लिए आपको बोल दे तो उसका मतलब होता है विदाउट इप्सिलॉन ट्रांजिशन वाली। आई बात समझ में, चलिए तो किसी ने मुझे बोल दिया भाई ड्रॉ NFA, क्वेश्चन ऐसा है ड्रॉ NFA फॉर द स्ट्रिंग्स, ड्रॉ NFA फॉर विच द स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट्स विथ 10 विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि 10 से शुरू होने वाली सभी स्ट्रिंग्स ही होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए, और समेशन इक्वल्स टू उसने दे दिया हमें 01। तो इसकी मैं क्या निकाल देता हूँ, इसकी मैं NFA निकाल देता हूँ। देखिए NFA निकालना इतना आसान है कि आपको ऐसा लगेगा भाई मजाक करना है, मैंने बोल दिया भाई स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ 10 चाहिए, तो चलिए देखिए इधर Q0 1 Q1 ये Q2 ठीक है 10 स्टार्ट्स विद 10 और मैंने यहाँ पे ले लिया 01, बात ख़त्म, डायग्राम ख़त्म, ठीक है। देखिए कैसे, मुझे एक बात बताइए कि ऐसी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद 10 यानी कि जितनी भी स्ट्रिंग्स 10 से स्टार्ट हो रही है वो सब की सब क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आप एग्जांपल ले लीजिए, मैंने बोला भाई 10111000, तो बताइए क्या ये एक्सेप्ट होंगी, 10 और उसके बाद क्या 111000, अरे भाई आई क्या बात समझ में, देखिए क्या हो गई ये एक्सेप्ट हो गई। किसी ने बोला भाई एग्जाम्पल 101010, क्या भाई ये एक्सेप्ट होंगी, 10 से स्टार्ट हो रही है, यस होंगी, देखिए 10010, यानी कि देखिए 10 से स्टार्ट होनी चाहिए, फिर क्या आ जाए, कुछ भी आ जाए चलता। तो देखिए ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि भाई Q0 ने 1 का ट्रांजेक्शन लिमिट किया, 0 का ट्रांजेक्शन लिमिट किया ही नहीं, अरे कोई बात नहीं, अरे NFA की डेफिनेशन ही तो वही है कि भाई NFA चाहे तो क्या कर सकती है, 0, 1 और मोर ट्रांजेक्शन क्या कर सकती है, सेम इनपुट सिंबल के लिए ड्रॉ कर सकती है। तो भाई ये वही तो बात है कि Q0 ने यहाँ पे 0 का ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं किया, चल जाएगा भाई, ये DFA थोड़ी है, ठीक है। अच्छा Q1 ने यहाँ पे 1 का ट्रांजेक्शन लिमिट किया ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम ऐसा बोल देंगे भाई Q1 ने 1 के 0 ट्रांजेक्शन लिमिट किए हुए हैं। अच्छा और एक बात, Q2 ने 0 के 2 ट्रांजेक्शन लिमिट किए हैं, Q2 ने भी क्या किया हुआ है, 0 का एक ट्रांजेक्शन लिमिट किया हुआ है, 1 का भी एक ट्रांजेक्शन लिमिट किया हुआ है, दोनों ही खुद पे, कोई बात नहीं। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि भाई ये Q0 ने 0 का ट्रांजेक्शन और Q1 ने 1 का ट्रांजेक्शन ड्रॉ नहीं किया, यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टेट क्या कर सकती है, 0, 1 और मोर ट्रांजेक्शन ड्रॉ कर सकती है। यानी FA तो ऐसा भी हो सकता था कि भाई जैसे कि यहाँ पे ये Q0 ने 1 क्या किया हुआ है, Q1 पे लेके गया है, यानी कि अगर कल चल के कोई किसी डायग्राम में ऐसा भी हो गया कि भाई Q0 1 लेके Q1 पे भी जा रहा, Q0 1 लेके Q2 पे भी जा रहा, तो भी हमारा वो ट्रांजेक्शन क्या है, वैलिड है, क्योंकि हम एक से ज़्यादा भी ट्रांजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं सेम इनपुट के लिए। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई Q0 ने ये 1 के लिए क्या किया है, 2 ट्रांजेक्शन लिमिट किए, एक Q1 पे एक Q2 पे, ठीक है। पर मैंने जो यहाँ पे डायग्राम निकाली है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा भी ट्रांजेक्शन ड्रॉ हो सकते हैं या फिर 0 ट्रांजेक्शन भी ड्रॉ हो सकते हैं। आई बात समझ में, तो मुझे बताइए कल चल के किसी ने आपसे बोला कि भाई
ये तो क्या था, स्टार्ट्स विथ, मैंने आपको बोल दिया, सपोज मैंने आपको बोल दिया, दूसरी डायग्राम निकालते हैं एक, ठीक है, मैंने बोल दिया ये पहली थी, ठीक है, सेकंड एंड्स विथ स्ट्रिंग्स, एंड्स विथ 01, यानी स्ट्रिंग्स क्या होनी चाहिए, 01 से क्या होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, कोई बात नहीं। देखिए इधर मैं क्या करता हूँ भाई, पहले सामने से कितने भी क्या आ जाए, 01 आ जाए, फिर ये 0, फिर उसके बाद ये 1, ये Q2, ठीक है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मुझे बताइए, देखिए इधर सामने से कुछ भी आ जाए फिर 0 और 1 आएगा, तो हम क्या हो गए, फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। आई बात समझ में? तो मुझे बताइए यहाँ पे ये Q0 ने 0 का ट्रांजिशन खुद पे भी ड्रॉ किया है, Q0 0 लेके Q1 पे भी जा रहा है, अरे आई क्या बात समझ में? मुझे बताइए NFA निकालना कितना आसान हो गया, यहाँ पे हमें ऐसा कोई कुछ देखना ही नहीं है कि हर एक स्टेट ने जितने इनपुट सिंबल उतने ट्रांजिशन लिमिट करने ही चाहिए, इसीलिए तो NFA पे क्वेश्चन नहीं आता आपको, NFA पे ड्रॉ द NFA ऐसा करके कोई क्वेश्चन देंगे ही नहीं वो आपको, ड्रॉ द NFA फॉर दिस 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 लैंग्वेज, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन तो बेटा कन्वर्जन पे आते हैं, ठीक है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आप इसी पे फोकस कीजिए। आई बात समझ में? तो मैंने ये कैसे डायग्राम्स निकाली, चलिए हम अपने गिवन एग्जांपल के साथ ही प्रोसीड करते हैं कि कैसे ये वर्कआउट करते हैं। Q0 स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद 10 था ना, तो ये 1, ये 0, ये Q2, 10 और उसके बाद कुछ भी आ जाए तो चलता। मैं अपने यही एग्जांपल के साथ हम प्रोसीड करते हैं, आई बात समझ में? तो अब मुझे आपको क्या सिखाना है, डिफरेंस भाई, प्रैक्टिकली व्हाट द डिफरेंस इज, प्रैक्टिकली क्या है कि हमारे DFA में और NFA में डिफरेंस क्या है। तो देखिए DFA जो है, DFA ने कंपलसरीली क्या करना चाहिए, एक ऐसा प्रोविजन प्रोवाइड करना चाहिए कि जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होने वाली हैं वो एक्सेप्ट भी होनी चाहिए और जो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में नहीं है वो रिजेक्ट भी होनी चाहिए। DFA इन दोनों का लुकआउट देखता है, यानी कि हमने जो अभी तक के FA यानी कि DFAs निकाली 26 अलग अलग, ठीक है, वो सब में क्या होता था कि लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग्स आती थी वो तो एक्सेप्ट होती ही होती थी, पर उसके साथ साथ जो स्ट्रिंग्स लैंग्वेजेस में नहीं आती थी, जो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में नहीं आती थी वो सब की सब वहाँ पे DFA में रिजेक्ट भी होती थी। यानी कि हमारा DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा दोनों का लुकआउट देखता था, दोनों भी चीज़ों को अचीव करता था। जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही है वो फाइनल स्टेट पे टर्मिनेट होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए, जो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में नहीं है उनको रिजेक्ट भी करना किसका काम था, DFA का। पर हमारा NFA ये दोनों काम नहीं करता है, हमारा NFA सिर्फ इतना ही करता है कि जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होने वाली है, जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होने वाली है सिर्फ उनके लिए ही ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है, जो स्ट्रिंग्स रिजेक्ट होने वाली है उनके लिए ये प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करता है। यानी कि NFA क्या करता है, जो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में हैं उनको तो वो प्रोसेस करेंगे और फाइनल स्टेट पे टर्मिनेट होगा, जो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में आने वाली है वो तो हमारी क्या होंगी, फाइनल स्टेट पे टर्मिनेट होंगी, ठीक है, वो बताएगा हमारा NFA। पर NFA जो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में नहीं आने वाली है, ठीक है, उसके लिए कोई प्रोविजन NFA के पास नहीं है। ये बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल डिफरेंस है DFA में और NFA में, जो आपको बहुत सारी एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है या फिर वाइवा में तो ऑलवेज पूछा ही जाता है कि व्हाट द प्रैक्टिकल डिफरेंस बिटवीन NFA एंड DFA। और ये हमारा टॉक जो सब्जेक्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के आपको एक कंपाइलर कंस्ट्रक्शन नाम से सब्जेक्ट आएगा या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से, ठीक है, उसमें आपको पूरा का पूरा कंपाइलर पढ़ाया जाएगा। कंपाइलर विदाउट टॉक आप पढ़ ही नहीं सकते हो, ये टॉक के सभी कंसेप्ट, मैक्सिमम कंसेप्ट आपके रिपीट होने वाले हैं कहाँ पे, जब आपको आइदर 6th या 7th सेम में, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती की बात करें तो 7th सेम में उनको एक सब्जेक्ट है IT वालों को कंपाइलर कंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर वालों को सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से, उसमें पूरा का पूरा कंपाइलर है, फेजेस ऑफ कंपाइलर 6 फेजेस, तो उसमें पूरा का पूरा टॉक का फिर से क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। अभी अगर आपको ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट समझेगा तो आगे आपको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर समझेगा, अदरवाइज वहाँ पे कुछ नहीं समझने वाला, ठीक है। तो फिर देखिए, हाँ रही बात की मैंने ये जो बोला भाई NFA क्या नहीं करेगा, भाई जो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में नहीं है उनको रिजेक्ट NFA नहीं करता है, जो स्ट्रिंग सिर्फ लैंग्वेज में है वही एक्सेप्ट करता है, ये हमारे NFA का काम है। तो सपोज मैंने बोला भाई स्ट्रिंग इज 01010,
मुझे एक बात बताइए कि स्ट्रिंग्स स्टार्ट्स विथ 10, यानी स्ट्रिंग्स 10 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो मुझे बताइए ये स्ट्रिंग जो है वो 10 से स्टार्ट हो रही है या नहीं, यानी ये स्ट्रिंग हमारे ये लैंग्वेज के लैंग्वेज में नहीं है, तो भाई ये स्ट्रिंग को ये NFA ने रिजेक्ट भी करना चाहिए। पर मुझे बताइए, मैंने ये Q0 का 0 का ट्रांजेक्शन तो ड्रॉ किया ही नहीं है, यानी कि जो स्ट्रिंग लैंग्वेज में नहीं है उसके लिए तो हमारी ये NFA प्रोविजन प्रोवाइड कर ही नहीं रही है। अरे कोई बात नहीं, चलता है, इसीलिए तो वो NFA है, इसीलिए तो वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। आई बात समझ में? तो इसके पास ये प्रोविजन नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, एक वेरिफिकेशन भी करके देखते हैं। किसी को अगर वेरिफिकेशन करना है सपोज 10 का, तो वेरिफिकेशन भी करके देखते हैं। पर एक काम कीजिए आप, पहले तो आप वीडियो को पॉज करके ये जो लिखा हुआ है ये नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं आपको NFA का क्या करके बताता हूँ, वेरिफिकेशन और इसका टेबल भी ड्रॉ करके देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, इधर तो इसको मिटा देता हूँ मैं। ये इतना ही मिटाते हैं फिलहाल, ठीक है, ये भी मिटा देते हैं। मेरे हर एक वर्ड पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए, ये शुरुआत का जो टॉपिक है, हम नेक्स्ट क्लास से ही हम आगे के टॉपिक्स देखना शुरू कर देंगे। जैसे कि इसके बाद का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA, कन्वर्जन की प्रोसीजर देखेंगे हम, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब मुझे क्या बताना है, वेरीफिकेशन। पर मैं वेरीफिकेशन के पहले आपको बता देता हूँ ट्रांजिशन टेबल कैसे आएगा यहाँ पे। पहले तो ये आ जाएगा क्यू समिशन, जैसा वहाँ पे होता था। स्टेट कौन कौन सी है यहाँ पे, Q0, Q1, Q2, ठीक है, 0, 1। मुझे बताइए Q0 0 लेके कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 5, ठीक है। Q0 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q1 के पास, ठीक है। Q1 0 लेके कहाँ जा रहा है, Q2 के पास, ठीक है। और 1 लेके कहाँ जा रहा है, 5, कहीं नहीं। अब ये फाइल लिखिए या फिर आप उसकी जगह पे ऐसा डैश कर दीजिए, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, और Q0 Q2 0 लेके भी 1 लेके भी खुद के पास ही जा रहा है, Q2 के पास, ठीक है। अच्छा, और एक बात, जैसे मैंने अभी ये वेरिफिकेशन तो मैं बाद में करके बताता हूँ, पहले मैंने टेबल, यानी कि हाँ, और एक बात, हाँ, कि सपोज कल चल के ये डायग्राम में ऐसा होता था भाई, ये 1 हमारा Q0 1 लेके Q1 के पास भी जाता था, Q0 1 लेके Q2 के पास भी जाता था, तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या आ जाता था, Q0 1 लेके कहाँ कहाँ जा रहा है, एक तो Q1 के पास जा रहा है और एक Q2 के पास जा रहा है। अगर मेरी समझो ये डायग्राम रहती थी, ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन टेबल उसका ऐसा आ जाता था। आई बात समझ में? तो अच्छा, ये इनिशियल स्टेट, इसको ऐसा कर देते हैं, इसको सर्कल कर देते हैं, ठीक है। अगर टेबल में हमें शो करना है कि कौन सी इनिशियल स्टेट है, तो उसको एरो ड्रॉ करते हैं, और टेबल में अगर किसी स्टेट में सर्कल किया हुआ है, सिंगल सर्कल, तो ऐसा समझा जाता है कि भाई वो क्या है, फाइनल स्टेट है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपको ये एरो और ये सर्कल नहीं भी समझ रहा, कोई बात नहीं है। पर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई सपोज मैंने आपको बोला, और एक कंसेप्ट सिखाता हूँ मैं आपको, कि मुझे आपको FA गिवन देना है। भाई मैंने आपको बोल दिया कि भाई मैं आपको एक DFA गिवन दे रहा हूँ, तो भाई मुझे आपको अगर एक DFA गिवन देनी है, तो मैं आपको या तो वो पूरी डायग्राम दे दूँ, ठीक है। अगर मैंने आपको DFA की डायग्राम दे दी, तो आपके पास DFA आ गई। पर सपोज़ मैं कल चल के मुझे आपको एक DFA देना है, पर मैं आपको डायग्राम नहीं दे रहा हूँ, स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको क्या दे दे रहा हूँ, ट्रांजेक्शन टेबल। तो क्या ट्रांजेक्शन टेबल से भी आप DFA बना नहीं लोगे क्या? यानी कि अगर मुझे आपको एक DFA देना है गिवन, तो या तो मैं आपको स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम दे दूं, ठीक है, आपके पास क्या आ जाएंगी, DFA आ जाएंगी, या फिर मैं आपको क्या दे दूं, ट्रांजेक्शन टेबल दे दूं, और मैं आपको बता दूं कि भाई ये Q0 जैसा एरो और सर्कल करके कि ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। तो क्या ये टेबल पे से आप ये डायग्राम निकाल नहीं सकते हो क्या? आई बात समझ में? तो किसी को भी मुझे FA गिवन देना है, तो या तो मैं स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम दे सकता हूँ, या फिर स्टेट ट्रांजेक्शन टेबल दे सकता हूँ, ठीक है। आई बात समझ में? दोनों में से कुछ भी एक दिया, तो मैंने आपको ऐसा समझ लेना कि भाई मैंने आपको DFA दे दिया, ठीक है। और एक बात, कि आप ये टेबल पे से कैसे समझोगे कि भाई ये टेबल DFA का है कि NFA का है? भाई मुझे बताइए, यहाँ पे हर जगह पे अगर सिंगल एंट्री रहती थी,
सिंगल एंट्री, जैसे कि यहाँ पे एंट्री नहीं है, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। अगर हर जगह पे सिंगल स्टेट की एंट्री रहती थी, यानी कि ये ऐसा हो जाता था क्यू इंटू समेशन इक्वल्स टू क्यू में से कोई एक आंसर आता था, यानी हर एक एंट्री हमारी यहाँ पे सिंगल स्टेट से फिलअप की हुई रहती थी, तो वो तो बेटा डीएफए का टेबल हो जाता था। अब ये एनएफए का टेबल है, ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये देखिए जीरो ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ये फाइव लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा है? फाइव, यानी कि भाई क्यू जीरो जीरो का ट्रांजेक्शन लिमिट कर ही नहीं रहा। अच्छा, क्यू जीरो वन के दो जगह ट्रांजेक्शन लेके जा रहा है, तो ये टेबल में जीरो और मोर वाली अगर एंट्रीज आपको दिखेंगी तो इसका मतलब वो काय का टेबल है? एनएफए का टेबल है, ठीक है। अच्छा, ये एनएफए के टेबल में ये ऐसा होता है, क्यू इंटू समेशन इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ क्यू। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यू इंटू समेशन इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ क्यू क्या होता है। देखिए इधर मुझे एक बात बताइए, सपोज मैंने आपको बोला क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू, ये हमारे कैपिटल क्यू नाम के ये तीन स्टेट्स हैं ना यहाँ पे। मैंने बोला भाई ये क्यू अगर मेरा क्या है, क्यू में अगर तीन एलिमेंट्स है क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू, तो पावर सेट ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ क्यू, देखिए पावर सेट ऑफ सेट यानी कि क्या हो जाएगा, पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसमें ये क्यू नाम के ऑल पॉसिबल सबसेट्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं करके बताता हूँ, सबसे पहले आ जाएगा फाइव, सबसे पहले क्या आ जाएगा वहाँ पे फाइव, उसके बाद आ जाएगा क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू जीरो क्यू वन क्यू जीरो क्यू टू क्यू वन क्यू टू नेक्स्ट क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू। अरे भाई आई क्या बात समझ में, ये हमारा क्या है? पावर सेट। मुझे बताइए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ फाइ इज सबसेट ऑफ दिस, क्यू जीरो इज सबसेट ऑफ क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू, दिस इज सबसेट ऑफ दिस, यानी कि ये सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट्स को अगर मैंने एक जगह पे लिख दिया तो उसको क्या बोलते हैं? पावर सेट। और ये आपने बचपन में ही देखा है कि अगर ये क्यू में अगर हमारे तीन एलिमेंट्स है तो पावर सेट ऑफ क्यू में टू रेस टू पावर थ्री कितने एलिमेंट्स आएंगे? एट। यस, हमारे पास एट एलिमेंट्स आ गए। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो हम बोलते हैं भाई एनएफए में ये जो ट्रांजेक्शन फंक्शन है क्यू इंटू समेशन इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ क्यू, तो इसका मतलब होता है भाई ये क्यू इंटू समेशन का जो आंसर आने वाला है वो पावर सेट ऑफ क्यू में से कोई एक आंसर आएगा। देखिए ये फाइव ये पावर सेट में है, ये क्यू वन क्यू टू, देखिए ये क्यू वन क्यू टू भी कहाँ पे है? हमारे पावर सेट ऑफ क्यू में से है, यानी कि क्यू इंटू समेशन का आंसर क्या आएगा? पावर सेट ऑफ क्यू में से कोई एक आंसर आएगा। अरे आई क्या बात समझ में। चलिए एक और बात कर देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोल दिया भाई क्यू जीरो वन लेके क्यू वन के पास जा रहा है, क्यू जीरो वन लेके क्यू टू के पास भी जा रहा है, कल चल के ये ऐसा भी रहता था क्यू जीरो वन लेके खुद के पास भी जा रहा, और सपोज यहाँ पे ये क्यू वन ये ऐसा आ जाता था क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू, तो मुझे बताइए ये एंट्री भी तो हमारे पावर सेट में है, पावर सेट में तो सभी आने वाले हैं। आई क्या बात समझ में, यानी कि क्यू इंटू समेशन का आंसर यहाँ पे क्या आएगा? पावर सेट ऑफ क्यू में से एक आंसर आएगा टेबल में, जो हमारे डीएफए में क्यू में से एक आंसर आ जाता था, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताई कि भाई मुझे आपको एफए गिवन देनी है, तो आप कैसे समझोगे कि वो डीएफए का डीएफए है कि एनएफए है? टेबल दे दिया मैंने अगर आपको, तो अगर हर जगह पे सिंगल एंट्री है तो वो डीएफए का टेबल है, अगर कहीं पे जीरो और मोर एंट्रीज वाली ये है टेबल है तो वो काय का है? एनएफए का है। आई बात समझ में, ठीक है। अगर ये समझाऊंगा तो जब मैं आपको एनएफए विथ इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन बताऊंगा तब भी आपको समझेगा कि उसकी भी डेफिनेशन ये फाइव टपल्स की है, उसमें से भी ये वन टू फोर फाइव ये चार चीज़ें सेम है, सिर्फ चेंज तो हमारा क्या होता है वहाँ पे भी डेल्टा नाम का ट्रांजेक्शन फंक्शन चेंज होता है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको वेरीफिकेशन करके बता देता हूँ कि कैसे हमारा वेरीफिकेशन होगा, कि सपोज हमारी स्ट्रिंग है 1010, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा इनिशियल स्टेट क्यू जीरो। देखिए अब ये वेरिफिकेशन कोई काम का तो नहीं है, मैंने डायग्राम को तो पूरा बिगाड़ दिया है। चलिए डायग्राम को मैं सीधा कर देता हूँ, ये डायग्राम में ये ट्रांजेक्शन और ये ट्रांजेक्शन नहीं था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अब चलिए इसको वेरीफिकेशन कर देता हूँ मैं 101 का। तो ये ऐसा हो जाएगा भाई क्यू जीरो को 1 मिला, पहला इनपुट सिंबल क्यू जीरो को 1 मिला तो कहाँ जा रहा है? क्यू वन। तो दूसरा किसको मिलेगा? क्यू वन को, ठीक है, Q1 को ये जीरो मिला, कहाँ जा रहा है? Q2 पे। फिर ये तीसरा ये किसको मिलेगा? Q2 को। ये तीसरा वाला सिंबल किसको मिलेगा? ये इसके आंसर को, Q2 को 1 मिला, कहाँ जा रहा है? Q2 पे। Q2 फाइनल स्टेट है, यस, इट मीन्स इट इज़ एक्सेप्टेड। आई बात समझ में, ठीक है। और एक बात, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, और एक और ये कर देता हूँ मैं आपको वेरीफिकेशन, कल चल के थोड़ा सा एक रैंडमली मैं आपको सिखा दूँ।
कि कल चल के सपोज मैंने ये ऐसी डायग्राम निकाली, Q0 का 01 खुद पे ही ले लिया मैंने, और फिर मैंने बोल दिया 1 0, और ये Q2 फाइनल स्टेट कर दिया। यानी कि अगर मैंने बोल दिया भाई स्ट्रिंग्स एंड विथ 10, भाई स्ट्रिंग कहाँ से ख़त्म होनी चाहिए, 10 से। तो देखिए इधर सामने मैंने 01 खुद पे ले लिया, भाई सामने कुछ भी ले लो, फिर क्या ले लो आप, 10 ले लो। आई बात समझ में? चलिए तो मुझे बताइए क्या 110 क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? चलिए देखिए मैं इसका 110 का आपको मैं वेरिफिकेशन करके बताता हूँ। 110 का इनिशियल स्टेट क्या है, Q0 को पहला सिंबल मिलेगा 1। मुझे बताइए Q01 लेके कहाँ जा रहा है? अरे भाई Q01 लेके Q0 के पास भी जा रहा है, Q01 लेके Q1 के पास भी जा रहा है, यानी यहाँ पे तो बेटा दो आंसर आ जाएंगे, Q0, Q1। अरे आई के बात समझ में? अरे भाई Q01 लेके, देखिए मैंने ये जानबूझ के ये एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किया कि आपको समझना चाहिए कि भाई कैसे वेरिफिकेशन होता है NFA में। ये कोई पूछेगा नहीं, पर पता होना चाहिए, ये पता रहा तो आगे के टॉपिक समझना ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब भाई Q0 को 1 मिला तो वो तो Q0 के पास भी जा सकता है और Q1 के पास भी जा सकता है। चलिए दो आंसर्स आ गए, कोई बात नहीं। तो अब अगर दो आंसर्स आ गए तो ये जो नेक्स्ट सिंबल है 1, ये दोनों को मिलेगा। ये ऐसा हो जाएगा देखिए कि Q0 को भी ये 1 मिलेगा नेक्स्ट वाला, यूनियन Q1 को भी ये नेक्स्ट सिंबल 1 मिलेगा। मुझे बताइए Q01 लेके कहाँ जा रहा है? अरे भाई Q01 लेके कहाँ जा रहा है बेटा? वो तो जा रहा है Q0 और Q1 दो स्टेट्स पे, यूनियन एंड सेट थ्री का। डेल्टा ऑफ Q11 लेके कहाँ जा रहा है? अरे भाई Q11 लेके कहाँ जा रहा है? Q11 लेके कहीं जा रहा है क्या? कहीं नहीं। तो ये हो जाएगा 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा Q0, Q1। यानी कि भाई ये देखिए, ये पहले इनपुट सिंबल का ये आंसर आया, ये आंसर को हमने सेकेंड इनपुट सिंबल दिया, अब इसका आंसर क्या आया? Q0, Q1। इसको हम ये तीसरा इनपुट दे देंगे तो ये हो जाएगा Q0 को भी ये 0 मिलेगा, यूनियन Q1 को भी ये 0 मिलेगा, ठीक है। बताइए Q0 लेके कहाँ जा रहा है? Q0 के पास, ठीक है। नेक्स्ट यूनियन, अरे Q10 लेके कहाँ जा रहा है? Q2 के पास। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा Q0, Q2। आई क्या बात समझ में? अब मुझे बताइए कि भाई ये 110 एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई, ये कैसे समझेंगे हम? आंसर आया Q0, Q2। आंसर क्या आया? Q0, Q2। मेरी ये जो NFA है इसकी फाइनल स्टेट क्या है? Q2। तो ये जो सेट है क्या इसमें Q2 नाम की फाइनल स्टेट बिलोंग करती है क्या, आती है क्या? अगर आती है तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, ठीक है। यानी Q2 मेरी फाइनल स्टेट है, और ये जो फाइनल आंसर वाला सेट आया है उसमें अगर वो फाइनल स्टेट है तो इट मीन्स कि ये 110 स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी? एक्सेप्टेड। अदरवाइज अगर ये सेट में अगर फाइनल स्टेट नहीं रहती थी तो हम बोल देते थे रिजेक्टेड। अब रही बात की भाई ये दो आंसर्स क्यों आए, Q0, Q2, तो मुझे एक बात बताइए, ये जो 110 नाम की स्ट्रिंग है तो ये डायग्राम में तो बेटा दो तरीके से प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। कैसे? देखिए ये 110 में ऐसे प्रोसेस करता हूँ, सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, कुछ गड़बड़ है। वन वन जीरो, एक मिनट रुक जाइए। ये वन और ये जीरो, यानी कि देखिए इधर क्या किया मैंने, ये मैंने ले लिया यहाँ पे वन वन और फिर जीरो, यानी हम कहाँ पे टर्मिनेट हुए? Q2 पे। देखिए ये हम ये Q2 पे टर्मिनेट हुए पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद, और ये 110 हो जाएगा 1, उसी पे 1, उसी पे 0, यानी पूरे तीनों भी सिंबल अगर यहीं पे प्रोसेस हो गए तो आंसर क्या आ रहा है? Q0। यानी कि देखिए इनका बहुत ही डीप मीनिंग है, ये जो दो आंसर आए हैं Q0, Q2, इसका मतलब मैं 110 प्रोसेस करके देखिए ऐसा भी कर सकता हूँ 110, अरे भाई इस पे ही खत्म हो गया, या फिर मैं 110 ऐसा भी प्रोसेस कर सकता हूँ। तो स्ट्रिंग प्रोसेस होने के बाद दो आंसर आ सकते हैं Q0, Q2, पर दो में से कोई भी एक आंसर फाइनल स्टेट वाला है तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। आई बात समझ में? तो NFA ड्रॉ करना तो बहुत इजी रहता है, NFA की डेफिनेशन क्या थी वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया, प्रैक्टिकल अप्रोच बताया कि भाई NFA क्या करता है। NFA रिजेक्टेड वाली स्ट्रिंग्स के लिए कोई प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करता है, जो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में नहीं है उनका लुकआउट हमारे NFA का नहीं है। NFA का तो लुकआउट सिर्फ उतना ही है कि जो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में है उनको मैं एक्सेप्ट करवा दूँ, बस बात खत्म। आई बात समझ में? चलिए तो इतना आप क्या कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA, जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है, ठीक है।